भक्तों हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए अचूक उपाय जो सत्य हैं। आप लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलो सुनते हैं प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद द्वारा यह कथा। और नमस्ते दोस्तों, इस गांव की देवता में केवल एक देव हरिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शाम के समय न चोटी करी जाती है, न झाड़ू लगाई जाती है, न पोछा लगाया जाता है, न माताएं चूड़ी बदलती है, न मां में सिंदूर डालती है। हाँ, प्रदोष काल को छोड़कर पहले या बाद में आपको जो करना है कर सकते हो। क्यों? क्योंकि माता पार्वती भोलेनाथ जी के साथ अखंड सौभाग्य देने के लिए निकलती है स्त्रियों को। और नारी शाम के समय पर प्रदोष काल में जब चूड़ी बिछुड़ी बदलती है तो ना जाने कौन सी ऐसी खड़ी होती है कि नारी के हाथ से जो चूड़ी उतरती है वो जिंदगी भर के लिए उतर जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्रों में ये रीति है कि शाम के समय ना झाड़ू लगे, ना पोछा लगे, ना दरवाजे की चौखट पर बैठो, ना मान भरो, ना टीकी लगाओ। पहले या बाद में ये समय हमारे अनिश्चित है। पर शाम का समय श्री हरि का भगवान, शिव का भगवान, गौरी शंकर का वो समय। बारह महीने प्रदोष आती है, बारह महीने शिवरात्रि आती है। प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। बारह महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक लोटा पानी, पांच बेल पत्र, पांच बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक शमी पत्र, पांच बेल पत्र, तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। सात तने अक्षत के आपके अक्षत से डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर दो मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया गया कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय, पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। पांच बार, तीन बार, सात बार, कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र पात्र घर में लिया और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाएं, फिर विनती करें कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाएं। उससे कहना, उससे निवेदन, मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने दो या तीन या चार प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी में। दो तीन चार बस बहुत, पूरे साल की तो आप करना छोड़ना मत। अगर बाबा दे दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में राजस्व धर्म जाता है तो हम नहीं जा सकते तो घर तक कोई देखते हैं। पर करना पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाकर निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर नमन करना। अपने दिल की बात बाबा भोलेनाथ से सहना, अपने मन का बात मुझे शिव से सहना, बस विचार कर लिया।
कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे आप श्रवण करना स्कंद पुराण, तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ। अगर कोई व्यापार व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी चौदस के दिन, किसी भी चौदस के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की हो, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण करो, यहाँ तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे भी तलाक चाहिए तो मत मत हो, पर नहीं चाहिए प्रेम बढ़ाना है उसके लिए। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती हो, जिसको नींद की गोली खाकर सोना पड़ता हो, निंद्रा आती ही नहीं है, तो एक बार बाबा पर विश्वास रखकर, भोलेनाथ पर विश्वास रखकर एक बार प्रैक्टिकल करकर जरूर देखना। हाथ की हथेली में सोने से पहले भगवान शंकर की पांच बेटियों का नाम लेना, जया फिर जल पी लेना, विशाखा फिर जल पी लेना, सामरी बारी फिर जल पी लेना, दो तली फिर जल पी लेना और देव फिर जल। भगवान शंकर की पांचों बेटियों का नाम लेकर जल का पान कर कर फिर विश्राम करिए महाराज। आपको निंद्रा की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना टेबलेट खाना पड़ेगी, ना गोली खाना पड़ेगी और निंद्रा चकाचक है। भगवान शिव की पांच पुत्रियां केवल उनका स्मरण कर लेने पर सुख अनुभव होता है। वैसे भगवान शंकर की छह बेटियां हैं, आपको पहले इन कथाओं में वर्णन किया, एक अशोक सुंदरी एक अशोक सुंदरी भगवान शिव की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।